हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बारे में। जैसे कि आपको पता है, अलीगढ़ ऑलरेडी अपने रिजल्ट्स निकाल चुका है 4-5 कोर्सेज के। तो आगे देखते हैं कि उन्होंने अभी किसका रिजल्ट निकाला है लेटेस्ट में। एमी एग्जाम कंट्रोलर आप सर्च करेंगे और अलीगढ़ की आइकन पे क्लिक करके वेबसाइट ओपन हो जाएगी। वेबसाइट ओपन होने के बाद आप यहाँ पे एडमिशन्स में देख सकते हैं। एडमिशन सेक्शन में ये रिजल्ट ऑफ एडमिशन टेस्ट है। यहाँ पे आपको सारे एडमिशन के रिजल्ट का पता चल जाएगा। यहाँ पे आने के बाद आप देखिए, फैकल्टी ऑफ कॉमर्स पे भी न्यू लिखा हुआ अभी शो हो रहा है। तो फैकल्टी ऑफ कॉमर्स से बीकॉम ऑनर्स बॉयज़ एंड गर्ल्स का रिजल्ट आउट हुआ है। सेलेक्टेड लिस्ट आई है, चांस मेमोरिस्ट यानी कि वेटिंग लिस्ट है और स्पेशल कैटेगरी लिस्ट भी है यहाँ पर। तो मैं एक लिस्ट आपको खोल के दिखाती हूँ। सिलेक्शन लिस्ट है बॉयज़ की, तो उनकी दिखाती हूँ। इसमें भी डेट ऑफ काउंसलिंग होगी और जो कि आपको जल्द ही पता चल जाएगा। काउंसलिंग वाले काउंसलिंग AMU ऑनलाइन ऐसी कुछ वेबसाइट है, उससे पता चल जाएगा। मैं उसके बारे में भी आपको बताती हूँ। और सब फिज़िकल रिपोर्ट भी आपको करना पड़ेगा एडमिशन प्रोसेस के दौरान। ये हैं वो रोल नंबर्स जो कि सेलेक्ट किए गए हैं। यहाँ से आप अपने रोल नंबर के थ्रू चेक कर सकते हैं। और ये बस एक ही पेज का ही है, बीकॉम ऑनर्स ये बॉयज़ का है और गर्ल्स का है दूसरा वाला। तो जो पोर्टल है जहाँ पे आपको एडमिशन काउंसलिंग का पता चलेगा, वो है counseling.amuonline.ac.in। ये है। उसके अलावा यहाँ पे ये साफ मेंशन है कि अगर आप काउंसलिंग अटेंड नहीं करते हैं तो आपका जो है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा एडमिशन। आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया जाएगा फॉर एडमिशन। और इसके बाद ये भी लिखा है कि आपने जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने वेरिफिकेशन के लिए सबमिट किए हैं अपने रजिस्ट्रेशन के टाइम या आप कह सकते हैं एडमिशन के एप्लीकेशन फॉर्म में, उन सारे डॉक्यूमेंट्स को आपको फिज़िकली लेके जाना है और 10 पासपोर्ट साइज़ पिक्चर फोटोग्राफ्स भी लेके जाने हैं। सो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं ये लिंक। उसके अलावा यहाँ पे चांस मेमो लिस्ट भी है। इसके अलावा इसमें हम अभी ज़्यादा बात नहीं करेंगे वेटिंग लिस्ट पे। इसके लिए आपको सब सेपरेटली हम आपको ज़रूर बता देंगे कि इनकी वेटिंग लिस्ट कितनी क्लियर होती है। बट उससे पहले अभी इनका कोई भी एडमिशन प्रोसेस का शेड्यूल नहीं आया है, मतलब काउंसलिंग का। तो उससे पहले हम नहीं बता सकते हैं, जब तक एडमिशन नहीं होता तब तक नहीं बताया जा सकता है कि कब आपका वेटिंग का होगा। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। थैंक यू।